हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज है 16 मई 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं और उसी में से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, उसी के बारे में आज हम यह वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी दोस्तों को पता है कि जीके 2020 यूट्यूब चैनल पर रोजाना करंट अफेयर पेश होता है और इस वीडियो के साथ साथ हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के वीडियो के जो क्वेश्चन है उसी की पीडीएफ फाइल नीचे लिंक रख देते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यह वीडियो क्वालिटी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहां सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही नहीं हम पेश कर रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, बल्कि इससे साथ जुड़ी जो जीके रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको इसी के जरिए मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्टार्टअप कंपनियों के इक्विटी निवेश के लिए 700 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी को कोष बनाने की घोषणा की है। जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्टार्टअप कंपनियों की बात हम यहां कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां सही आंसर है नाबार्ड। उसी ने ही हाल ही में 700 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष बनाने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नाबार्ड। हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड ने क्या कहा है उसके बारे की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है वो भी मैं बता रहा हूं। नाबार्ड की आनुषंगिक कंपनी नेब वेंचर्स ने यह कोष पेश किया है और इसके लिए 500 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रस्ताव किया गया है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसकी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। उसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बंबई में। चेयरमैन उसके हाल ही के कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाल। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन से आयात होने वाले 200 अरब डॉलर के सामानों पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है और वो कंट्री का नाम है अमेरिका। और उसी ने ही चीन से आयात होने वाले जो माल सामान है उस पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है, यानी कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार चल रहा है। और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात करते हैं ट्रेड वार की, तो दोनों ने क्या क्या एक्शन लिए हैं आमने सामने वो भी मैं बता रहा हूं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार कम होने के बजाय और बढ़ गया है। अमेरिका के कस्टम एवं बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग ने चीन के 5,700 से अधिक प्रभावित उत्पादों की श्रेणियों पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। और इसके बाद चीन ने जवाबी कार्यवाही करते हुए अमेरिका से आने वाले 60 अरब डॉलर के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 25%, 20% और 10% करने का फैसला किया है और यह 1 जून से लागू होगा। यह ट्रेड वॉर काफी ही समग्र विश्व को, सारे विश्व को आर्थिक संकट में डालने की संभावना है। यह करंट अफेयर में है, आपको याद रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक कचरे की समस्या को खत्म करने के लिए कितने देशों ने तय किया है कि अमीर देशों से गरीब देशों में प्लास्टिक कचरा नहीं भेजा जाएगा? हाल ही में करंट अफेयर है और उसी में देशों की, कंट्रीज की जो संख्या है वो है 187, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और प्लास्टिक किस तरह नुकसान करता है, क्यों यह डिसीजन लिया गया है वो भी ये देखिए। इन देशों ने स्विट्जरलैंड के जेनीवा में हुए कार्यक्रम में एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के तहत दूषित प्लास्टिक वेस्ट को किसी देश के पास भेजने से पहले उस देश की अनुमति ली जाएगी। इन देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से लड़ने के लिए बेसल कन्वेंशन में प्लास्टिक समस्या को जोड़ने का फैसला किया है। और बेसल कन्वेंशन यह संधि है जो एक देश से दूसरे देश को भेजे जाने वाले हानिकारक पदार्थों की आवागमन को नियंत्रित करती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसल कन्वेंशन क्या है वो मैंने यहां इस क्वेश्चन के इस टॉपिक में बता दिया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कौन पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए राजी हो गया है?
तो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए राजी हो गया है IMF, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि बेल आउट पैकेज आखिर होता क्या है और IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। दोनों के बाद में यहां स्पष्ट कर देता हूं। ये देखिए, IMF पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 3 वर्षों में 6 अरब डॉलर यानी कि लगभग 42,000 करोड़ रुपये देगा। और पाकिस्तान 1950 में IMF का सदस्य बना था, जिसके बाद में अब तक वह 21 बार बेल आउट पैकेज ले चुका है और यह उसका 22वां बेल आउट पैकेज है। यानी कि जो IMF है वो पाकिस्तान को जो सहायता राशि देता है उसी को बोलते हैं बेल आउट। और यहां बात आती है IMF की। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF। IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। IMF का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन DC, यानी कि अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है IMF का हेडक्वार्टर। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया के टॉप 10 में शामिल हो गया है? हमारे भारत का एक हवाई अड्डा है और उसी का नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दुनिया के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात करते हैं हम हवाई अड्डों की, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। जब हमने T20 मैच खेला और उसी के बारे में बताया था, तब राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? रायपुर में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है बंबई में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन तो सही है, लेकिन सारे एयरपोर्ट कहां पर स्थित है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो भारत का यह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के टॉप 10 में शामिल हो गया है। तो पहले स्थान पर कौन है वो भी बताओ, आपको पता होना चाहिए। इसे टॉप 10 में 8वां स्थान मिला है। हमारे जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टॉप 10 में 8वें स्थान पर रहा है। एयर हेल्प ने 2019 के लिए वार्षिक रेटिंग जारी की है एयर हेल्प ने, और जिसके अनुसार कतर, जापान, ग्रीस के हवाई अड्डे क्रमशः कतर का पहला, जापान हवाई अड्डा दूसरा और ग्रीस का हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर रहा है। लेकिन टॉप 10 हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका और चीन का एक भी हवाई अड्डा शामिल नहीं है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में कई नामी फिल्म कलाकारों को अभिनय की ABC सिखाने वाले किस व्यक्ति का 87 वर्ष की आयु में बंबई में निधन हो गया है? तो कई नामी कलाकारों को अभिनय यानी कि एक्शन सिखाने वाले, ABC सिखाने वाले एक व्यक्ति का निधन हुआ है 87 वर्ष में, और उस व्यक्ति का नाम है, एक्टिंग गुरु बोलते हैं उसे, नाम है रोशन तनेजा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रोशन तनेजा एक्टिंग गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं और उसी ने कई नामी कलाकारों को एक्टिंग सिखाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और उसी का हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है, और ये है रोशन तनुजा। तो इसी के बारे में मैं बताता हूं। रोशन तनुजा ने हिंदी फिल्म जगत के शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, जया बच्चन, अनिल कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी थी, और ऐसे नामी कलाकारों को ट्रेनिंग देने वाले यह महान हस्ती का हाल ही में निधन हुआ है, रोशन तनेजा का। सातवां क्वेश्चन, WTO का अंतिम सदस्य देश कौन बना है? जी हाँ दोस्तों, 3-4 वर्ष पहले बना है, लेकिन WTO का अंतिम सदस्य कौन बना है? अंतिम सदस्य बना है अफगानिस्तान। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और हाल ही में WTO के सदस्यों की बैठक जो दिल्ली में हुई है, हाल ही में हमारे भारत के दिल्ली में संपन्न हुई है, और इसीलिए यह करंट में आया है कि अंतिम सदस्य कौन बना है?
अफगानिस्तान, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात करते हैं करंट अफेयर की, तो भारत ने 13-14 मई तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल विकासशील देशों की अनौपचारिक बैठक की मेजबानी की। और यह बात आ गई WTO की, तो WTO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और हेडक्वार्टर के बाद WTO के हाल ही के सभ्य देश की संख्या कितनी है, 164, और 164वां देश कौन बना है, अफगानिस्तान। WTO की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1995 में। एक अंतरराष्ट्रीय, आखिर WTO है क्या, वह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाती है, तो यह आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसके एक नए सैद्धांतिक अध्ययन से यह पता चला है कि सुपरनोवा विस्फोट की वजह से न्यूट्रिनो हो सकते हैं। हाल ही में वह पता लगाने वाली संस्था का नाम है TIFR, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और उसी ने पता लगाया है कि सुपरनोवा विस्फोट की वजह न्यूट्रिनो हो सकते हैं, TIFR संस्थान। और TIFR संस्थान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो TIFR का फुल फॉर्म है। और इस अध्ययन के अनुसार तीव्र न्यूट्रिनो दोलन की वजह से तारों में विस्फोट के पश्चात सुपरनोवा का निर्माण होता है। और TIFR की स्थापना कब हुई थी, 1 जून 1945 को। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है, बंबई में। और हाल ही के इसके डायरेक्टर कौन है, संदीप त्रिवेदी। तो आपको यह TIFR के बारे में पता होना चाहिए, फुल फॉर्म एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा चंद्र टोही कृत्रिम उपग्रह से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करने पर पता चला कि चंद्रमा तेजी से सिकुड़ रहा है। तो हाल ही में चंद्र टोही नामक कृत्रिम जो सैटेलाइट है उससे तस्वीरें कैप्चर की गई और पता चला कि जो चंद्रमा है वो तेजी से सिकुड़ रहा है। और ऐसा स्पष्ट करने वाला जो संस्थान है उसी का नाम है नासा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात करते हैं चंद्रमा के सिकुड़ने की और नासा की, तो नासा देखिए, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा का फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। कहां पर नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है, USA की। तो उसी ने यह ठीक पता लगाया है कि यह ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे अंगूर का किशमिश में रूपांतरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप बीते कई सैकड़ों वर्षों में चंद्रमा की सतह लगभग 150 फीट तक पतली हो चुकी है और इसका कारण इसकी सतह पर उपस्थित झुर्रियों और आने वाले भूकंप इसके लिए जवाबदार है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2018 प्रस्तुत किया है, तो सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक पेश करने वाली संस्थान का नाम है OECD, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि OECD का फुल फॉर्म क्या है और वह कहां पर स्थित है, तो ये देखिए, OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का फुल फॉर्म है। और वह क्या कार्य करता है, किसने यह सूचकांक में क्या स्पष्ट किया गया है, तो सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक हाल ही में 2018 का पेश हुआ है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी इस सूचकांक की, तो शुरुआत 2014 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा की गई थी, यानी कि OECD द्वारा इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी।
और उसमें साधारणतः 45 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें 36 OECD देश एवं बाकी गैर OECD देश शामिल है। तो एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है कि इस कंट्री के सदस्य देश कितने हैं। इस OECD जो संस्थान है इसके सदस्य देश है 36। और यहां बात करते हैं OECD की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी हमने देखा, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। OECD का मुख्यालय कहां पर स्थित है, पेरिस फ्रांस में। OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। हाल ही के OECD के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 36। और यह संस्थान क्या है, यह एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है और इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020 के लिए किस देश को सर्वसम्मति से ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी के सलाहकार समूह के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहां बात कर रहे हैं ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी, और उसी का सलाहकार समूह का एक सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उस कंट्री का नाम है हमारा इंडिया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो ए देखिए, वर्ष 2015 में भारत GFDRR के सलाहकार समूह का सदस्य बन गया था। और यहां GFDRR का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी, जो हमने क्वेश्चन में भी देख लिया। और उसी का सलाहकार समूह जिसके हम बोलते हैं कंसल्टेटिव ग्रुप यानी कि CG, और उसी का प्राथमिक निर्णयन एवं परामर्शदात्री निकाय है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह आपको फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों, खास याद रखिएगा, GFDRR का फुल फॉर्म है ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने मैकेन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लीडरशिप 2019 से सम्मानित किया गया। जो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है उसका नाम है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, और उसी ने एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है मैकेन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लीडरशिप 2019, और उस सम्मान मिला है छाया शर्मा को। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आखिर छाया शर्मा कौन है। तो छाया शर्मा एक IPS महिला अफसर है, और उसी के बारे में साल 2012 में दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप केस को रिकॉर्ड टाइम में सुलझाने वाली यह IPS अफसर छाया शर्मा को अमेरिका में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड से 2015 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मलाला यूसुफ जई को भी यह सम्मान मिला है। तो हाल ही में छाया शर्मा करंट अफेयर में आया। और कल मैंने आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था कि छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी मुहिम के लिए गठित महिला डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट का नाम क्या रखा गया है। एक दोस्त ने गलत आंसर लिखा है और लगभग अन्य सभी दोस्तों ने सही आंसर लिखा है, दंतेश्वरी लड़ाके। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो आप इमेज में देख सकते हैं वह वही टीम है जो नक्सल विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य करती है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। यदि आपने हमारे करंट अफेयर के वीडियो कंटिन्यू देखने जारी रखे हैं तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। तो इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर चार में से एक सही आंसर चुनकर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। और हमारा यह वीडियो कैसा लगा है उसी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में भी लिखिए। और कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।